Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, viewers. Welcome to the part 4 of our e-commerce project, which we are developing in PHP, MySQL. Okay, so this part number 4, mein jo cheez hume discuss karni hai, wo hume folders ko redefine karna hai. Kal ko hum folder ka name jo hai change karte hai kisi jagah. Matlab kya hai is cheez ka? Kal ko hum in folders ka agar name change karenge, to hume puri site mein change karna padega. To hum in folders ko jo hai, wo redefine karenge ek hi page mein. Theek hai? तो आप देखिए मैं कैसे वो करता हूँ और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा वो किस चीज के लिए हमें करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्फिग फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ, पीएचपी फाइल. ठीक है, तो ये हमारी फाइल जो है इसका नाम रहेगा कॉन्फिग, कॉन्फिगरेशन फाइल पीएचपी, जहाँ पे हम सारे फोल्डर्स को रिडिफाइन करेंगे और उसके बगैर कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे जो कि हमारे प्रोग्राम में यूज हो जाएंगे. कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होंगे वो जो थ्रू आउट अवर वेबसाइट जो है वो यूज हो जाएंगे, जैसे सेशंस, ग्लोबल वेरिएबल्स जो होंगे इसमें. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे वेब पाथ डिफाइन करना है. ठीक है, तो वेब पाथ क्या है हमारा, ये हमारा वेब पाथ है जो कि हमारा बेसिक पेज है, मतलब रूट फोल्डर का पाथ. तो ये हमारा वेब पाथ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ. तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ये सबसे पहली चीज जो है वो करनी है हमें. यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफाइन, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ रूट फोल्डर में, इसको मैं सेव कर लेता हूँ. ये हमारा रूट फोल्डर है. ठीक है, तो इस होम को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये होम अब मुझे जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ config.tpl के नाम से, मैंने एक फाइल जो है वो सेव कर ली रूट फोल्डर में. यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफाइन, तो ऐसे आएगा define, डिफाइन. तो ये कीवर्ड है हमारा, यहाँ पे लाइब्रेरी वाला कीवर्ड है ये, तो इसीलिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया डिफाइन. सबसे पहला मैं एक यहाँ पे लेता हूँ वेब पाथ, मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ले लिया वेब पाथ, मैं ये अपनी ट्राई से ले रहा हूँ वेब पाथ. ठीक है, वेब पाथ, तो डिफाइन वेब पाथ एज, जो मैंने वहां से वेब पाथ ले लिया था, कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा. ठीक है, कौन सा वाला, जो मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट करूंगा. तो ये इसका नाम मैंने रखा वेब पाथ. ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ डिफाइन जो भी मेरे फोल्डर्स है, ये वाले फोल्डर्स, इनको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा. तो मैं इनको ये इसको साइड बाय साइड ओपन करूंगा ताकि मैं मुझे आसानी हो जाए. तो सबसे पहले एडमिन को अभी रहने दीजिए आप, क्योंकि एडमिन जो है वो, चलिए हम कोई बात है, हम एडमिन को भी डिफाइन कर सकते हैं. मैं admin कैप्स में लिखता हूँ और इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एडमिन. बट रिमेंबर, मैं इस टाइम इस फोल्डर को डिफाइन कर रहा हूँ, तो फोल्डर जब भी डिफाइन करते हैं तो फोल्डर, यहाँ पे मैंने एडमिन लिखा तो इसके बाद स्लैश डालना है, दैट मींस एडमिन फोल्डर. ये एडमिन फोल्डर है और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैप्स एडमिन से. कल को हमारा अगर फोल्डर चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो मुझे मैं तो अपने सारी फाइल्स में ये अब यूज करूंगा एडमिन. ठीक है, जो भी मेरे कोड में, जो जहां पे भी एडमिन की जरूरत पड़ेगी, मैं वहां पे इस फोल्डर का यूज नहीं करूंगा, पास में मैं एडमिन नहीं लिखूंगा, मैं पास में ये लिखूंगा. तो कल को मेरा फोल्डर अगर चेंज हो गया, इस फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे खाली चेंज करनी है. ठीक है, खाली इस पेज में मुझे चेंज करनी है, तो ऑटोमेटिकली सारी पेजेस में खुद चेंज हो जाएगी. तो ये अच्छा रहता है, गुड प्रैक्टिस रहती है कि आप अपने प्रोग्राम का कॉन्फिग पेज डिफाइन करो. तो इसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ डिफाइन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन के बाद कैटलॉग, catalog, कैटलॉग, कैटलॉग, कैटलॉग को डिफाइन करते हैं catalog, बट ये फोल्डर है तो स्लैश आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसी तरह कंट्रोलर, मैं इसी को कॉपी करता हूँ डिफाइन कंट्रोलर, कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोलर, सिंपल. इसी तरह कंट्रोलर के बाद फॉन्ट्स, तो यहाँ पे आएगा कंट्रोलर के बाद फॉन्ट्स. हम फॉन्ट्स को बाद में ले जाते हैं, चलिए फॉन्ट्स ही ले जाते हैं. फॉन्ट्स, डिफाइन फॉन्ट्स एज फॉन्ट्स. आपको जब भी फॉन्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो हमारी फाइल्स होती है, एज फाइल्स होती है, सेव इन फोल्डर्स में. ठीक है, तो फॉन्ट्स जब भी जरूरत पड़ेगी, वो हमें इंक्लूडिंग दिस जरूरत पड़ेगी, वेब पाथ. ठीक है, या इसी तरह इमेजेस, ठीक है, या स्टाइल्स, या स्क्रिप्ट्स, इन चीजों को हमें वेब पाथ में ही एक्सेस करना होता है. मतलब इसका ऐसे बनता है, लोकल होस्ट ecom project / fonts / कौन सा नाम होगा फाइल का. तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पे वेब पाथ, ये आपको बाद में समझ आ जाएगा, फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखिए, वेब पाथ, इसका पूरा पाथ हमें एक्सेस करना पड़ता है, वेब पाथ में फॉन्ट्स. ठीक है, इसी तरह डिफाइन फॉन्ट्स के बाद HTML, ये मैं लिखूंगा व्यू,
क्योंकि एमवीसी मॉडल है, मॉडल व्यू कंट्रोल, एचटीएमएल मेरा व्यू वाला पार्ट है, मैं इसको आपकी मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैंने व्यू रखा तो मैं इसका नाम रखा एचटीएमएल, डिफाइन व्यू एज एचटीएमएल। इसी तरह डिफाइन इमेजेस, मैंने आपको पहले ही बोला इमेजेस का हमें पूरा पाथ चाहिए होता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इमेज, लेकिन इससे पहले मैं वेब पाथ। इसी तरह इमेज के बाद इंक्लूड्स, मैं लिखूंगा INCLUDES इंक्लूड्स, INCLUDES इंक्लूड्स, ठीक है। तो यहां पे आएगा इंक्लूड्स के बाद लाइब्रेरी, लिब रखिए, लाइब्रेरी रखिए, जो भी आपकी मर्जी हो, मैं लिब रख लेता हूं या लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एस LIBRARY, ठीक है। लाइब्रेरी कोई भी नाम रख सकते हैं, यहां पे हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि कल को यहां पे चेंज करेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है, कोडिंग में यूज हो रहा है। तो लाइब्रेरी भी आ गया, तो इंक्लूड्स भी आ गया, इमेज भी आ गया, लाइब्रेरी भी आ गया। अब मॉडल, तो यहां पे लिखूंगा डिफाइन, यहां पे लिखेंगे मॉडल, मॉडल एज मॉडल, ठीक है, मॉडल, मॉडल परसिस्टेंस, परसिस्टेंस में हमारा डेटाबेस रिलेटेड रहता है। डिफाइन, मैं लिखूंगा डी बेस, डेटाबेस, डेटाबेस में डालेंगे परसिस्टेंस, PERSIS परसिस्टेंस, PERSISTANCE परसिस्टेंस। प्रोसेस, मैं यहां पे लिखूंगा प्रोसेस, 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 प्रोसेस के बाद स्क्रिप्ट्स, मैं लिखूंगा SCRIPTS स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स में भी हमें ये एक फाइल होती है जो जिसका हमें पूरा पाथ चाहिए होता है उस टाइम। फ्रंट एंड रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फ्रंट एंड डिजाइनिंग रिलेटेड, उनका हमें वो हमारी इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स होती है प्रोजेक्ट में, तो उनको हम वेब पाथ आगे लगाते हैं, फिर वेब, इससे क्या हो जाएगा, वेब पाथ से आ जाएगा ये, उसके बाद स्लैश के बाद स्क्रिप्ट स्लैश, फिर फाइल का नाम, पूरा पाथ मिलता है इससे, हाँ पूरा पूरा जो है पाथ मिलता है। तो डिफाइन वेब पाथ, डिफाइन स्क्रिप्ट वेब पाथ स्लैश स्क्रिप्ट, उसके बाद डिफाइन स्टाइल्स, स्टाइल्स एज STYLES स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल्स, इसके बाद फिर हमने डेटाबेस रिलेटेड लिखना है यहाँ पे सबसे पहले, इसके बाद सब हमने ये सारे फोल्डर जो है, तो हमने ये सारे फोल्डर जो है ये यहाँ पे डिफाइन कर लिए हमने, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। लेकिन इसमें मेन चीज जो हम छोड़ रहे हैं, एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ, एडमिन के अंदर और भी फोल्डर है, तो हम इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं एडमिन का जो कंट्रोलर है, ऊपर भी कंट्रोलर है लेकिन ये एडमिन का कंट्रोलर है, मैं लिखूंगा इसको एडमिन अंडरस्कोर कंट्रोलर या एडमिन डैश कंट्रोलर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा एडमिन कंट्रोलर भी लिख सकता हूँ, याद रहने के लिए मैं लिखूंगा कंट्रोलर, एडमिन, एडमिन डैश कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अब मुझे इसका फोल्डर देना है, तो मैं दे सकता हूं एडमिन, पहले मुझे लिखना है एडमिन फोल्डर, तो वो लिखा है मैंने, एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है, एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है, तो वहां पे है कंट्रोलर, मैं लिखूंगा कंट्रोलर, एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है तो वहां पे है कंट्रोलर, CONTROL कंट्रोलर, कंट्रोलर फोल्डर। मगर ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, ये इनएफिशिएंसी है, क्योंकि अगर मैं यहां पे एडमिन को यहां पे इसको पूरा पा देता हूं, एडमिन के अंदर जाओ कंट्रोलर वहां पे है, तो मेरा यहां पे ये एडमिन लिखने का फायदा क्या आ गया, ये एडमिन तो ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, कल को मैं एडमिन का नाम चेंज करूं फोल्डर का, तो यहां पे भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं यहां पे इसको कट करता हूं और बाहर लिखता हूं, जो मैंने ऊपर जैसे यहां पे वेब पाथ लिखा था मैंने इसका यहां पे, तो यहां पे भी मैं वेब पाथ ही लिखूंगा, वेब पाथ डॉट, वेब पाथ नहीं, सॉरी वेब, सॉरी सॉरी, वेब पाथ इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा एडमिन, एडमिन डॉट, जैसे यहां पे वेब पाथ दिया था उससे ये आ रहा था, तो मैं यहां पे एडमिन दे रहा हूं तो उससे ये आएगा, एडमिन के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है, मैं यहां पे लिखूंगा, इसका मतलब ये है एडमिन स्लैश फिर कॉन्कैटिनेट कंट्रोलर
इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, एडमिन कंट्रोलर, तो उसके बाद मेरा है एडमिन व्यू, एचटीएमएल का मैंने व्यू रखा हुआ है, एडमिन व्यू, ठीक है, एडमिन डॉट तो लिखना ही लिखना है, फिर यहां पे आएगा एचटीएमएल, ठीक है। इसके बाद एडमिन इमेज, एडमिन डॉट इमेज, ठीक है, एडमिन डॉट इमेज, बट एडमिन डॉट इमेज, तो एडमिन डॉट इमेज, मैंने आपसे पहले ही बोला, मैंने आपको पहले ही बोला कि इमेजेस जो भी फ्रंट एंड चीज की, इसको फ्रंट एंड में जो चीज की जरूरत है, ठीक है, इमेजेस में कोई फाइल हमें जरूरत है आखिर, तो उस फाइल को, उस फाइल को जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें पूरा पाथ जो है वो देना पड़ता है, तो उसमें आ जाएगा वेब पाथ पहले, तो यहाँ पे आएगा वेब पाथ डॉट एडमिन डॉट इमेज। तो आगे बढ़ते हैं, डिफाइन एडमिन मॉडल, एडमिन मॉडल, एडमिन के अंदर जो मॉडल, मॉडल का फोल्डर है, ठीक है, एडमिन प्रोसेस, एक चीज मैं भूल गया, एडमिन प्रोसेस, एडमिन के अंदर जो प्रोसेस फोल्डर है, एक चीज मैं भूल गया, जो प्रोसेस होती है ये हमें जावास्क्रिप्ट के टाइम पे जरूरत होती है, ये भी हमें उस टाइम हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका पाथ देना पड़ता है, तो इसका भी यहाँ पे वेब पाथ आएगा, वेब पाथ, तो यहाँ पे भी प्रोसेस का यूज हुआ है, यहाँ पे भी हम वेब पाथ देंगे, क्योंकि ये हम जावास्क्रिप्ट के लिए लिख रहे हैं, ये आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा, वहां पे भी हमें इसका फुल जो है वो रूट एड्रेस देना पड़ता है, तो प्रोसेस एडमिन स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के अंदर यहां पे स्क्रिप्ट्स, डिफाइन एडमिन, एडमिन स्टाइल एज एडमिन एस टी वाई एल ई एस स्टाइल्स, यहां पे भी स्टाइल ही रख लेते हैं, तो हमें बार बार इंक्लूड्स की जरूरत पड़ेगी, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट नेम ही रखेंगे, क्योंकि हर एक फाइल में इंक्लूड हमें करना है, तो यहां पे भी INC रखा मैंने, तो ये एडमिन रिलेटेड, अब हम लिखेंगे इसमें डेटाबेस के रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड, डेटाबेस में हमारे पास चार चीजें हैं, जो हमारा डेटाबेस है MySQL, MySQL जो है उसमें चार चीजें हैं, एक तो यूजर नेम, एक तो डेटाबेस का नाम, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड और टेबल का नाम, तो डेटाबेस में, सॉरी टेबल का नाम नहीं, चार चीजें ये है, एक तो पहले सर्वर का नाम, तो सर्वर के नाम के बाद डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के नाम के बाद यूजर का नाम, आपको पता ही है इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो कुछ नहीं होता है, और बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो होता है वो रूट होता है, ठीक है, मैं लिखूंगा डिफाइन, यहां पे मैं लिखूंगा तो सबसे पहले आएगा डीबी होस्ट, आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने यही नाम रखा, होस्ट, होस्ट का नाम मैं इसी से डिफाइन करूंगा, तो मैं यहां पे रखूंगा लोकल होस्ट, क्योंकि अभी मेरा लोकल होस्ट है, सर्वर के, सर्वर पे ले जाने के टाइम दूसरा होगा, तो यहां पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट, फिर डेटाबेस नेम, डीबी नेम एज मेरी डेटाबेस का नाम जो रहेगा, मैं अपनी डेटाबेस बना लेता हूं, मैं डेटाबेस कैसे बनाऊं, मैं डेटाबेस को यहां पे लोकल होस्ट लिख के एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं, phpMyAdmin, मैं इसी नाम से डेटाबेस बनाता हूं, जिस नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या, ईकॉम प्रोजेक्ट, मैं इसी नाम से एक डेटाबेस बना लेता हूं, सॉरी, इसी नाम से एक डेटाबेस जो है वो मैं क्रिएट करता हूं, डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस, मैं लिखूंगा ईकॉम प्रोजेक्ट, ईकॉम प्रोजेक्ट, ठीक है, ईकॉम प्रोजेक्ट क्रिएट, तो हमारी डेटाबेस का नाम ये है ईकॉम प्रोजेक्ट, लिखूंगा मैं यहां पे यही ईकॉम प्रोजेक्ट,
define database user as root होता है default username, और define db password. आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही लिखा, तो मुझे इस तरह थोड़ा सा कंफर्ट लगता है तो मैंने यही नाम लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो इसमें ब्लैंक छोड़ देते हैं. तो ये आ गई डेटाबेस रिलेटेड चीजें. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ की ओर. मैं सेव कर लेता हूँ इसको. अब हमारा कॉन्फ़िग पेज जो है वो डिफाइन हो गया. अब जहाँ पे भी कॉन्फ़िग पेज इंक्लूड हो जाएगा तो हमारा जो सर्वर है वो समझ जाएगा कि व्यापार जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, एडमिन जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, फोल्डर्स ये वाले फोल्डर्स रिप्रेजेंट करता है, सारी चीजें जो है वो हमारा जो है सर्वर समझ लेगा. और आप इंडेक्स पे और एक चीज देख लीजिए, अगर मैं अपने डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाता हूँ तो ये मेरा इंडेक्स पेज है जो लोड हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे करूँ काम, मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है. अगर हमें ये पाथ जरूरत होगा, ये वाला पाथ जरूरत होगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, मैं लिखूंगा होम, जो भी यहाँ पे होगा लिख के होगा, अगर हमें ये जरूरत होगा तो इसके साथ कैसे डील करना है, ये हमें कैसे मिलेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे. मैं इको करूंगा उसको. ठीक है, यहाँ पे मैं एक ब्रेक डाल देता हूँ. तो इको यहाँ पे जो ये ब्रेक डाल देता हूँ, मैं इसको कॉन्केटिनेट करेंगे, जरूरत नहीं है. इको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर यू आर आई. तो क्या मिलेगा हमें, मैं इसको सेव कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आते हैं, तो ब्रेक की वजह से ये दूसरी लाइन में आ गया और डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट यू आर आई की वजह से हमें ये मिला. ठीक है, अगले लेक्चर के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ. बहुत ही सिंपल चीज है, कोई ज्यादा ये नहीं है. तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक भी हटा देता हूँ, इसको सेव करते हैं, तो ये चीज जो है ये ऊपर आ जाएगी, ये देख लीजिए आप. ठीक है, तो क्या मिला हमें इसे, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट यू आर आई. डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट यू आर आई से हमें अपना जो है ये वाली चीज मिली, लोकल होस्ट को छोड़ के जो भी हमारा वेबसाइट का नाम है, पर्टिकुलर वेब पेज का जो साइट का नाम है वो मिला हमें. तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही. थैंक यू.